सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक लोअर थर्ड बना सकते हैं। और आपने जैसे देखा होगा, अगर आपको नहीं पता, लोअर थर्ड एक लाइक पॉपअप होता है जो आप अभी देख सकते हैं मेरी विंडो पे, लाइक लीव अ लाइक बटन। और आप जैसे कोई भी रख सकते हैं, जैसे कि सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड एनी काइंड ऑफ लाइक नोटिफिकेशन दैट यू वॉन्ट टू गिव टू योर व्यूअर ऑन द वीडियो, द लोअर यूज इन दोज पर्पसेज। सो गाइज, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप वो फोटोशॉप में कैसे बना सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, और आपको बस ये स्टेप फॉलो करने जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी जो फॉन्ट्स हैं वो आपको अपने हिसाब से सेट करने हैं। आपको कोई फॉन्ट जैसे मैं इसमें दिखाऊंगा वो फॉन्ट जरूरी नहीं है कि आप भी वो यूज़ करें, आप उसमें थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी फोटोशॉप खोल लेते हैं। और गाइज, ये फोटोशॉप CC 2017 है, लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कोई प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बनाया, तो हम अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट एक बना लेते हैं। तो हम न्यू पे क्लिक कर लेते हैं, और जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है हमारे को कौन सा रेजोल्यूशन का चाहिए। सो गाइज, हमारी जो वीडियो होगी उसी के रेजोल्यूशन का आप अपना ये प्रोजेक्ट बनाइए। तो गाइज, मुझे पता है कि सबकी वीडियो 1920x1080 की होती है। सो गाइज, इसी के अंदर हम बना लेते हैं ये भी। सो हम इसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे सिंपली, और आप देख सकते हैं हमारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड था, तो हमारी जो लाइक कैनवस है वो ऐसा प्रिपेयर हुआ है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। सो गाइज, आपको कुछ नहीं करना, अपना जो बैकग्राउंड है वो हमेशा अगर ध्यान रखिएगा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ही, क्योंकि जो आपका लोअर थर्ड होगा वो ओवरले होगा आपकी मेन वीडियो के ऊपर, तो आप ये ध्यान रखिए। अब गाइज, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अपना लोअर थर्ड बनाना है इस साइड में, लाइक जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इस साइड में। सो गाइज, अगर आपको इधर बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने जो लाइक रेक्टेंगल या जो भी टूल होते हैं टूल बॉक्स में जाना है, और वहाँ पर जाकर आपको राइट क्लिक करना है। सो गाइज, आपको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे रेक्टेंगल टू राउंडेड। सो गाइज, आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करना है, और ऊपर जाके आपको फिल पे देख लेना है। फिल जो हो वो आपका लाइक कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसके अंदर चूज़ कर लेता हूँ कलर अपना ग्रीन। एंड गाइज, मैं इसके अंदर अपना स्ट्रोक चूज़ कर लेता हूँ वो भी ग्रीन, एंड पॉइंट लिटिल बिट। सो गाइज, अब हमने जैसे अपना सब कुछ सेट कर लिया है, और अब हम अपना एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पे अपना ये रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ये रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, और मैं इसके अंदर सिंपली वी से क्लिक करके इसको मूव अराउंड कर सकता हूँ मेरे को जहाँ पर भी ये पुट करना है। सो गाइज, मेरे को लगता है मिनिमम पोजिशन ये होनी चाहिए, और थोड़ा सा इसका साइज जो है मैं छोटा कर देता हूँ, ये मेरे को बिल्कुल अब ठीक लग रहा है। सो गाइस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर हमें क्या करना है। सो गाइस, सबसे पहले तो आप जो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पहले तो नई लेयर क्रिएट करनी है। यहाँ पे सिंपली आप जो ये वाला बॉक्स है इधर आप जाइएगा, और आपकी एक और नई लेयर बन जाएगी। सो गाइस, आप जब नई लेयर पे आएंगे तो आपको वहाँ पे जो रेक्टेंगल है आपका फर्स्ट वन उस पर क्लिक करना है, और वहाँ पे जाके आपको राइट क्लिक करना है रेक्टेंगल वन पे, और ऊपर सबसे ऊपर आ जाइए, टॉप पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन के नाम से। सो गाइस, आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन वो खोल लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं ड्रॉप शेडोज एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन स्ट्रोक। सो गाइस, हम इसके अंदर थोड़ी शेडो दे देते हैं इसको, तो ताकि इसके अंदर इमर्सिव लुक आएगा। तो मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे 22, एंड मैं इसको एंगल दे देता हूँ 120। सो गाइज, ये बिल्कुल सेट बन बैठ गई है, और मेरे को आउटर ग्लो नहीं देना है। मैं इसको इसके अंदर बेनविन ब्रॉस दे देता हूँ थोड़ा सा, और इसके अंदर मैं एम्बॉस कर देता हूँ, और हल्की सी डेप्थ बढ़ा देता हूँ एंड सॉफ्ट टन हल्का सा। सो गाइज, आप देख सकते हैं थोड़ा इसके अंदर लुक, तो आप ज़्यादा देख सकते हैं मेरे को थोड़ा सही लग रहा है अपना ये। और बाकी अगर आप और इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो गाइज, हम अब इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करने जा रहे हैं। आपको टेक्स्ट ऐड करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपको सिंपली टेक्स्ट जो आपको इधर टूल होता है उस पर क्लिक करना है, और सिंपली आपको अपने कहीं पर भी जैसे टैप कर देना है। उसके बाद हम जो लाइक उसकी विड्थ एंड साइज़ वो बाद में सेट कर लेंगे। तो यहाँ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लीव ए लाइक। सो गाइज, मैंने यहाँ पर लीव ए लाइक इसको छोटा कर देते हैं अभी हम 2 मिनट में, इसको हम कर देते हैं 24 पॉइंट्स। सो गाइज, ये छोटा हो गया है, और ये वाइट कलर का है, तो मैं इसका कलर भी अभी सेट कर देता हूँ। एक मिनट रुकिए गाइज, इसको मैं पहले सेट कर दूँ हल्का सा, और मैं इसका ये जो फॉन्ट है ये भी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। आई वॉन्ट नेक्स्ट अ बोल्ड एंड देन आई वॉन्ट कलर टू बी ब्लैक। सो गाइज, रेक्टेंगल मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा था, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और गाइज, मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, हल्की सी जो विड्थ है मेरे रेक्टेंगल की मैं उसे छोटी करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली कंट्रोल टी दबा के विड्थ जो है छोटी कर देता हूँ, एंड देन मेरे को इसका लीव अ लाइक का सेट करना है, और मैंने ये बिल्कुल सेट कर दिया है। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लीव एंड लाइक ठीक सा लग रहा है, लेकिन अब मेरे को अभी भी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं इसके अंदर सिंपली
इसका जो कलर है उसे वापस वाइट में शिफ्ट करके इसके अंदर मैं अभी आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन में ले जाके इसमें ड्रॉप शैडो देता हूँ। सो गाइज मैंने इसके अंदर अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना इसको लीवल लाइक का ड्रॉप शैडो दे दी है। और अब मैं एक बार लाइक नेट पे जाके मेरे को सो गाइज मैं यहाँ पे सिंपली जाके अपनी थम्स अप की PNG फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को थम बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। और मेरे को लग रहा है ये लेट्स टेक दिस वन एंड जस्ट व्यू इमेज एंड जस्ट राइट क्लिक सेव इमेज एज सेव एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट ऑन टू माई प्रोजेक्ट। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लीव अ लाइक का बटन आ गया है। और मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइज के अंदर और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे लीव ए लाइक। एंड गाइज आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लीव ए लाइक हमारा बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लीव ए लाइक का बटन तो अच्छा लग ही रहा है। साथ ही साथ हमारा एक बार इसको भी मैं सेट कर देता हूँ और इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर कुछ नहीं दूंगा बिकॉज ये मेरे को ऐसे ही सेट सही लग रहा है। और इसके अंदर बस मैं एक और चेंज करना चाहूँगा और वो है इसको दोबारा से हल्का सा चेंज करने के लिए देन जस्ट राइट ओके गाइज। एंड मेरे को अब रेक्टेंगल का थोड़ा दोबारा से बड़ा लग रहा है तो मैं इसको दोबारा अपना रेक्टेंगल जो है उसे छोटा कर देता हूँ। एंड गाइज एज यू कैन सी राइट नाउ कंट्रोल टी एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सो नाउ इट्स लुकिंग परफेक्टली फाइन। एंड और आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये इतना पोर्शन क्यों छोड़ा है ट्रांसपेरेंट के लिए, गाइज ये वीडियो जब मैं अपने उस पर लगाऊंगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा उधर। एंड अब आप इसको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कंट्रोल एस दबाना है अपने कीबोर्ड पर और या फिर आप यहाँ जाके अपने फाइल में जाके इसको जाके सिंपली एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज करके। सो गाइज एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपका ये फॉर्मेट है ये सिर्फ और सिर्फ PNG में होना चाहिए क्योंकि आपको जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। सो गाइज को ध्यान रखिएगा कि आप जो है इसे PNG में ही एक्सपोर्ट करें एंड एवरीथिंग इज़ फाइन एंड लेट्स जस्ट ओके 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 या सो एक्सपोर्ट ऑल एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सपोर्ट इट ऑन माई डेस्कटॉप एंड टाइटल सेव एंड इट हैज़ बीन सेव। सो गाइज अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको कैसे अपने लाइक प्रोजेक्ट पे डालूंगा वीडियो के। सो गाइज मैं अभी आपको वो भी दिखाने जा रहा हूँ। आपको उसमें कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जाना है अपने जो भी आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको। ओके सो गाइज आई हैव ओपन माई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर विच इज़ एडोबी प्रीमियर प्रो एंड लेट मी जस्ट ओपन वीडियो क्लिप और एनी थिंग। ओके गाइज सो मैं इसके अंदर सिर्फ और अपने एक लाइक इमेज पोस्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ उसके अंदर मैं क्या करूँगा। और सिंपली मैं इसको इधर ले जाता हूँ और इसको भी इधर ले जाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये इमेज है और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना ऐड कर सकते हैं जो हमने अभी थंबनेल बनाया। सो गाइस हमने जो थंबनेल था वो अपना डेस्कटॉप पे सेव किया था। सो गाइस और वो है यहाँ पे और हम इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन टू माई टाइमलाइन। और आप देख सकते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कभी अपने टाइमलाइन के नीचे ना रखिएगा, जैसे आप वीडियो जो है आपकी उसके नीचे मत रखिएगा, हमेशा ऊपर रखिएगा ताकि वो ओवरलैप होए। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। अगर आपको इसकी पोजीशन सेट करनी है तो सिंपली आपको जो आपकी जो लेयर है उसको सिलेक्ट करके सिंपली डबल क्लिक करना है यहाँ पे और आप उसको अपनी सिलेक्ट लेयर को लाइक छोटा बड़ा कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे मैं भी आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप इसमें ट्रांजिशन कैसे ऐड कर सकते हैं। सो गाइज अभी मैं इसके अंदर हल्का सा इसको सो गाइज अब मैं इसके अंदर एक ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशन में हूँ और मैं इसको एक स्लाइड में ट्रांजिशन करूँगा तो पुश एंड पुश। सो गाइज अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड हो गई है और ये जैसे लीवर लाइक आएगा और ये लीवर लाइक चला जाएगा। सो गाइज आप ऐसे कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर और इसकी जो लेंथ है थोड़ी छोटी कर दीजिए ताकि जो जल्दी से आए और जल्दी से चला जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसको थोड़ा रुकाना है तो आप इसको थोड़ा सा वेट बढ़ा दीजिए और आप ऐसे इसको 2 सेकंड के रोकेंगे और ये चला जाएगा। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर का बटन जरूर दबा दें। एंड एनीवेज गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू गाइज माय नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम रेस्ट।